हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों का एनकाउंटर होने पर प्रदेश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस एनकाउंटर को लेकर कहीं खुशी मनाई गई है तो कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में सिरोही के आबू रोड से हमारे संवाददाता लियाकत अली ने महिलाओं से खास बातचीत की। बाद में हुए जघन्य अपराध जिसमें डॉक्टर दिशा के साथ रेप व हत्या का मामला सामने आया था, उसके आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर के बाद महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे। मैम, जो एनकाउंटर हुए बलात्कारियों का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे विश्व के लिए, सभी भाई लोगों के लिए, सभी बहनों को लिए, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, उसके लिए हम बहुत अंदर से दुख होता है कि हमारे भारत देश में हम बहनों के लिए ये जो घटना हुई वो बहुत ही दुख कारक है, क्योंकि हम महिलाओं को, बहनों को एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में देखें, और हर महिलाओं के प्रति हमारा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। वो एक भोगना, एक उस रूप से हम ना देखें, क्योंकि हर एक आत्मा की फीलिंग होती है, महिलाओं को भी अपनी भावनाएं होती हैं, उनको भी जीवन में स्वतंत्रता अनुभव हो, ऐसा हम अब सब मिलकर ऐसा वायुमंडल बनाए। क्योंकि उनको हर बार बंधन में रहना, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो क्या हम घर में ही बैठे रहें? लेकिन घर में भी सेफ्टी नहीं है आजकल देखते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी को जागृत होने की आवश्यकता है और महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। हर एक महिलाएं अपनी वैल्यू को पहचाने। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। लगातार इस कांड को लेकर जगह जगह पर आंदोलन चल रहे थे, आखिरकार आज उनके हत्यारों का एनकाउंटर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है, मेरी दृष्टि है तो इतना सही डिसीजन है। अगर मेरे सामने वो हो जाते ना तो मैं भी उसका एनकाउंटर कर देती। ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सेल पे जब चोट पहुंचती ना तो दर्द हमें ही पता चलता है, हमारा दर्द नहीं कोई पहचानता। मैं जो भी ये देख रहे न्यूज़, सब माता हो या हो या कोई बच्ची हो, यही कहूंगी कि अपनी सेल्फ प्रोटेक्ट पर कोई भी चोट ना लगने दे। इतना बलवान हो सामने वाला देख के रह जाए ना, तभी गोली छूटनी चाहिए हमारी ओर से। इतनी प्रोटेक्शन हमें महिलाओं को मिलनी चाहिए। देखा आपने जिस प्रकार जो आज ये हैदराबाद का एनकाउंटर हुआ, उसकी महिलाएं बढ़ चढ़ कर प्रशंसा कर रही है, साथ ही महिला को लेकर आए दिन होने वाले हत्याकांड जैसी घटनाओं को लेकर काफी आक्रोश भी, और इनके लिए नए कानून को लेकर लगातार मांगे भी की जा रही है। सहयोगी कैमरामैन के साथ लियाकत अली, A1 TV सिरोही।